नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बिहार में जितने भी वर्क बोर्ड की जमीन है उन्हें 15 और 16 अगस्त के बाद सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक करके कहा है कि उनकी जांच की जाएगी। हम छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। आप सबके माध्यम से लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने 2005 के बाद जब बिहार का कमान मिला तो सारे समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक माइनॉरिटी के लिए उन्होंने बड़ा से बड़ा काम किया, जो देखने को आपके सामने आ मिल भी रहा है। वक्त को जमीन को लेकर बराबर नेता नीतीश कुमार चिंतित रहते हैं और उस पर कई जगह बिहार के अंदर जो आप देख रहे हैं, बहुउद्देशीय भवन हो, हॉस्टल हो, आवासीय विद्यालय हो, मदरसे हो, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो हमारे नेता के निर्देशन पर काम भी चल रहा है। वक्फ की ज़मीनें काफ़ी बिहार के अंदर है जो आप जानते हैं, हम लोग उसको चिन्हित करा रहे हैं बिहार के अंदर, कई बैठकें हो चुकी है। हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनाब सुहेल साहब हैं जिन्होंने कई बैठकें किए नेता नीतीश कुमार के निर्देशन पर, और हम बैठक करने के बाद कई जगह ये चिन्हित मिल रहा है, चिन्हित हो रहा है जो कि अतिक्रमण किया गया है। कल हम सब लोग बैठे थे, इस बार शाम को मीटिंग भी हुई, हम लोग फैसला लिए हैं, नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में बात हुई है कि जो भी जहाँ भी हो, कितना बड़ा रसूख वाला होगा, कितना बड़ा नेता हो या जो भी हो, अगर अतिक्रमण किया है वक्त की ज़मीनें तो उनको छोड़नी पड़ेगी। इसको लेकर मैं तमाम जिला के तमाम अधिकारियों से बात करूंगा, बात चल भी रही है। 15-16 अगस्त के बाद इसी अभियान में छेड़ूंगा, हर जिला में जरूर पड़ेगा जमा खां, मैं खुद मंत्री, मैं खुद जाऊँगा, मेरे डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे और वहाँ के डीएम से बैठकर अधिकारी महोदय से बैठकर हम बात करेंगे, जो भी अतिक्रमण किया है उसको हम मुक्त कराएंगे ताकि जो कुछ काम बचा हुआ है वक्त की जमीन पर हो सके, नेता के निर्देशन पर काम पे होगा। कितना जमीन है और कितना बहुत सारा जमीन है जो मैं वो बात को शेयर कर दूंगा, तो कल हम उन्हें जवा रहे हैं, कल बैठक है और हमारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जो है कल पूरा जवा रहे हैं कहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे चीनी हम कर रहे हैं उस चीज़ को, तो समय तो लगेगा ही। काफ़ी ज़मीनें हैं जो जिला में सबसे ज़्यादा, जी जी, पटना में भी है कुछ ज़मीनें हैं जो अतिक्रमण उन्होंने किया है, तो हम लोग बात भी किए हैं और कुछ जगह खाली भी हुआ, उपजा भी गया है, तो कराया जाएगा। सर कई जगह ये भी जमीन को अगर गलत तरीके से बेच दिया गया, उसकी भी जांच होगी, अगर ऐसे में कोई बेचा होगा, मुतवली हमारे देखते हैं वो बेचे हुए, जो भी बेचा होगा ऐसा होगा, जाँच होगा, कोई भी हो तो कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी घटना घट रही है तो कोई नहीं है जो वक्त की जमीन पर नजर रख सके कि भाई गलत हो रहा है? नहीं नहीं, नजर तो रखा है, लोग देखे क्रिमिनल था वहाँ, लोग जाते हैं, केस भी चल रहा है, चेयरमैन साहब लगे हुए हैं, हम सब लोग लगे हुए हैं, काम भी हो रहा है, कई जगह मुक्त भी हुआ, कई जगह क्लियर भी है, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं इसके बावजूद आप मैं बताया था, नेता भी हमारे बताते हैं कि उसके बावजूद कुछ लोग गड़बड़ गलत लोग रहते हैं जिसपे हम लोग कार्रवाई करते हैं। इस बिहार के अंदर 2005 के बाद जो विकास दिखाई दे रहा नीतीश कुमार जी का देन है, उससे पहले क्या था, बहुत सारी गड़बड़ियां थी, बहुत सारा साफ किया गया बिहार को, स्वच्छ हुआ बिहार, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अभी हैं जो गड़बड़ी करते हैं, नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में उन पर कार्रवाई भी की जाती है।